धन्यवाद। संचालन कर रहे इस नगर विधानसभा से चार चार बार विधायक रहे पूर्व मंत्री पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य उत्तर कुमार मौर्य जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, विभूषण सिंह, मोदी राजनाथ जी, मोदी जी राजनाथ जी सामने एक विचारधारा के रूप में है। एक विचारधारा है जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, सबका प्रयास और सबका साथ, यह फर्क है दोनों विचारधारा में। इस देश के अंदर जब भारतीय जनता 370 धारा जो इस देश के अंदर अलगाववाद का काम कर रहा था, इस देश के अस्थायी व्यवस्था थी, वह व्यवस्था थी 370 धारा का। मित्रों, इस संविधान के संविधान भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। लेकिन यह विश्वास का संकट जो भारत की राजनीति में पैदा हुआ है, इसको चुनौती के रूप में भारत में यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जो हम लोगों ने कहा वह करके दिखाया, जो हम लोगों ने कहा वह करके दिखाया। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हुआ करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा था कि भारत की संसद में जिस दिन हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। लगातार हम लोग हर चुनाव में बोलते रहे, लोग कहते रहे ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार धारा 370 की बात कर चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दी। आज हमारे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर अपना मकान बनाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अन्य कोई कमाई करना चाहता है, कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति तो करता था, लेकिन आप नहीं कर सकते थे। व्यापार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते। आपको यह भी याद होगा 1984 में हम लोगों ने कहा था हम लोग आएंगे तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि विश्वास है हम लोगों को कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। 84 के बाद जब जब चुनाव हुआ हम लोगों ने चर्चा की तो लोगों ने कहा कि बस ऐसे ही आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। बहनों भाइयों, आज किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जाकर देख सकता है कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण। हम लोगों ने यह भी कहा था भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, लेकिन हो गया। लेकिन पाकिस्तान में जो भी हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, जो रह गए थे, उनका जब वहां धार्मिक उत्पीड़न होता था और भगकर वो भारत आना चाहते थे, कुछ आ भी जाते थे, तो नागरिकता उनको देने का एक जो प्राविधान होना चाहिए वो प्रभावी कोई कानून न होने के कारण नहीं था। बार बार लोग शिकायत करते, जलालत की जिंदगी जीते थे, धनाढ्य परिवारों के रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, सब यहूदी, पारसी जो भारत के मूल निवासी थे, भारत में आ भी जाते थे, चोरी छिपे भगकर जलालत की जिंदगी जीते। हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा संसद में, हम नागरिकता का कानून पास करेंगे।
मेरे भाइयों, भारत का मैं गृहमंत्री था, उसी समय मैंने कानून बनाना या प्रारंभ किया, बिल बनाना प्रारंभ किया। मोदी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं राजनाथ जी, बिल बनना चाहिए, आप आगे बढ़िए। उस समय लोकसभा में भी यह पारित हो गया था, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण नहीं पारित हो गया। फिर हमारे उत्तराधिकारी जब अमित जी गृहमंत्री बने तो अमित जी ने बहनों भाइयों उसे संसद में पारित कराया। आज नागरिकता कानून पास हो गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हमारा कोई हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी यानी भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो बहनों भाइयों उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी और सम्मान की जिंदगी वह भारत में जी सकता। यानी जो कहा था हम लोगों ने सब किया। हल्के फुल्के भाषण में हम लोग यह भी कह देते थे कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी जब आएगी, कमल का फूल जब जीतेगा, तभी लक्ष्मी जी घर में आए, यह भाषण भी आप लोग देते। अब मैं तो लगभग, मुझे याद है कि मैं 20-25 वर्ष पहले कहीं पर पहली बार यह बोला था, तब से यह भाषण का सिलसिला चल रहा है। लोग यह कहते थे कि यह तो केवल एक, जिसे कहा जाए कि लोगों को हंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलते हैं, लेकिन बहनों भाइयों हंसाने के लिए नहीं, तो उसके पीछे भी गंभीरता थी। आप लोग भी सच्चाई को स्वीकार करें, लक्ष्मी जी घर में आती है तो हाथी पर बैठकर कभी नहीं आती है। लक्ष्मी जी घर में आती है तो कभी हाथ हिलाते हुए, हेलो हाय बोलते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती है तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती। अच्छा ये बतलाइए, ये बतलाइए, लक्ष्मी जी घर में आ रही है कि नहीं? किसी न किसी आप मकान के रूप में आ जाएं, गैस सिलेंडर के रूप में आ जाएं, 6,000 रुपये के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आ जाएं, या कोरोना के संकट के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, जब लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए थे, उस समय जो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाने लगा, महीने में 2 बार मुफ्त राशन, यहां भी बैठे हुए 75% से अधिक लोगों के परिवारों को, 80% से ज्यादा परिवारों को मुफ्त राशन 2 बार महीने में मिलता हो, क्या यह लक्ष्मी जी का आना नहीं कहा जाए? क्या यह लक्ष्मी जी का आना नहीं कहा जाए? लेकिन एक बात आप लोग हमसे ईमानदारी से बताइएगा, अब 2 बार राशन मिलता तो आप तो सब खा नहीं जाते होंगे, बेचते जरूर हो। कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह तो कह सकते हैं। लेकिन बहनों भाइयों एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैं रत्नाकर मित्र को जानता हूं, कि कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे रत्नाकर मित्र के दामन पर भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है, यह कोई नहीं। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में किसी का दामन सदैव पाक साफ बना रहे, मैं समझता हूं उसके ऊपर मां विंध्यवासिनी की बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कभी भी कोई चुनाव का अवसर आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार की चर्चा करती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, किसने उठाए? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, और जब तक चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था नहीं है, तब तक राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और इस पहली शर्त को यदि किसी ने पूरा किया है तो हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। यह कोई छोटी बात नहीं, यह उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है, बीमारू राज्य है, यह कभी ठीक होगा ही नहीं। और आपको जानकर खुशी होगी, यहां जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो इंटरनेट और वेबसाइट पर जाते होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए 2017 में एक साइज ऑफ इकॉनमी, अर्थव्यवस्था का आकार जिसे कहते हैं, यानी धन दौलत हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है, लगभग 11 लाख करोड़ की हुआ करती है।
पांच साल के अंदर वह करिश्माई काम हुआ मेरे बहनों भाइयों कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का आकार, धन दौलत का आकार 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का मतदाता एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। नया इतिहास लिखने की बात इसलिए मैं कह रहा हूं, पिछले 30-40 वर्षों के बाद पहली बार और नए भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में यह एक ऐतिहासिक कदम। जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, योगी जी का, बहन भाइयों मैं पहले भी बोल चुका हूं, उत्तर प्रदेश में कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हम लोगों से भी, हमसे भी बेहतर सरकार चलाई। अपने बारे में तो कही सकता हूं, उससे भी बेहतर सरकार चलाई। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है वो अद्भुत है।